सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से जो डीएलएड की कॉपियां चेक की गई थी उसमें अनियमितता पाई गई है और जिसको लेकर के जो परीक्षक हैं जिन्होंने कॉपियां चेक की थी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, क्या इस साल नई शिक्षक भर्ती आ पाएगी या नहीं आ पाएगी और आचार संहिता कब से लगने वाली है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो भी प्रशिक्षु 2019 बैच के जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो गया है, बैक क्लियर हो गया है उनका, क्या उन्हें थर्ड सेमेस्टर पढ़ना चाहिए या फिर फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना चाहिए, ये बहुत बहुत जरूरी है उनके लिए जानना। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट कब आने वाले हैं इसकी भी बात मैं करूंगी इस वीडियो में, तो पूरा देखिएगा आप वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए डीएलएड की कॉपियों के मूल्यांकन में आपको पता ही है लगभग हर साल गड़बड़ी देखने को मिलती है, लेकिन अब की बार यहाँ पर देखिए बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 2015 बैच की बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बीटीसी प्रशिक्षण 2015 के फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2018 के मूल्यांकन में पाई गई त्रुटि के कारण परीक्षकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई किस तरीके से की गई है आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर किसी परीक्षक ने जिन परीक्षकों का मूल्यांकन यहाँ पर 0.5% त्रुटिपूर्ण पाया गया है उनके पारिश्रमिक से 25% की कटौती कर दी जाएगी। यानी कि उन्होंने जो पैसे उनको कॉपी चेक करने के लिए अगर 100 रुपए मिले थे तो उसमें से केवल उनको कितने मिलेंगे, 75 रुपए मिलेंगे, 25 रुपए काट लिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आप देखिए जिनके मूल्यांकन में 1% की कमी पाई गई यानी कि त्रुटि पाई गई है कह सकते हैं, उनके पारिश्रमिक से 50% की कटौती की जाएगी यानी कि 50% कटौती कर दी जाएगी, 50% फीस उनकी काट ली जाएगी। इसके बाद देखिए जिन परीक्षकों के मूल्यांकन में 2% से अधिक त्रुटि पाई गई है उनके पारिश्रमिक से 85% की कटौती की जाएगी और साथ ही उन्हें 3 साल तक के लिए कॉपी चेकिंग से बैन कर दिया जाएगा यानी कि उन्हें 3 साल मूल्यांकन हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरीके से कड़ी कार्रवाई की गई है और ये 16 दिसंबर की नोटिस है जो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर देखिए क्रम, जनपद का नाम, परीक्षक का नाम यहाँ पर पूछा गया और परीक्षक के खिलाफ की गई कटौती और कार्रवाई का विवरण यहाँ पर देने को कहा गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर है आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है क्योंकि कॉपियों की गलत चेकिंग अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चा अच्छा नंबर पाने वाला होता है उसको भी कम नंबर दे दिए गए, ऐसा भी देखने में आया है और कहीं ना कहीं इससे बच्चों का फ्यूचर प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ पर एक अच्छा कदम लिया गया है पीएनपी के द्वारा ताकि आप लोगों की जो कॉपियां हैं वो ध्यान से चेक हों और जिन्होंने जितना लिखा है उतना उनको नंबर मिले सही से। यहाँ पर ये अच्छा कदम उठाया गया पीएनपी की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु पूछ रहे हैं कि मैम नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। आपको पता ही है कि अभी यूपी टेट का पेपर कैंसिल हो चुका है, जब तक यूपी टेट का पेपर नहीं होगा तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। और दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए विधानसभा चुनाव की घोषणा जनवरी के प्रथम सप्ताह में कर दी जाएगी और आपको पता है अगर आचार संहिता लग गई तो आचार संहिता लगने के बाद नई शिक्षक भर्ती का आना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर अभी आ जाती है तो ठीक है, वरना नई शिक्षक भर्ती फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको आने में समय लगेगा क्योंकि अभी आपको पता है चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम में ही अक्सर भर्तियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगर यूपी टेट का पेपर सही समय पर हो गया होता 28 नवंबर को तो सारी चीजें बहुत ही ठीक चल रही होती, लेकिन यूपी टेट का पेपर डिले होने की वजह से या कहीं कैंसिल होने की वजह से ही सारी चीजें बिल्कुल असमंजस में हो गई है। नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी इस पर अब सरकार अभी तक कोई राय नहीं ले रही है। अगर आचार संहिता से पहले नहीं आती है, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होता है, तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 2019 बैच के जिन भी प्रशिक्षुओं का सेकेंड सेमेस्टर बैक क्लियर हो गया है उन्हें थर्ड सेमेस्टर पढ़ना चाहिए या फोर्थ सेमेस्टर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, पीएनपी सचिव ने क्लियरली यह बोल दिया है कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर आपने बैक क्लियर कर लिया तो आपको थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर देने ही होंगे, आपको सीधे फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं देने को मिलेगा। ऐसा बोला गया है कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आप पहले थर्ड सेमेस्टर का पूरा पेपर दोगे, थर्ड सेमेस्टर पास करोगे, फिर आपको फोर्थ सेमेस्टर के सारे पेपर देने को मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर अगर मेरी राय मानिए आप लोग तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर का ही प्रिपरेशन करिए जिनका भी बैक क्लियर हो गया है, और जिनका बैक नहीं भी क्लियर हुआ है उनको भी थर्ड सेमेस्टर का पेपर तो देने को मिलेगा ही। तो जो बैक प्रशिक्षु है वो भी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें और जिनका बैक क्लियर हो गया वो भी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। इसका रीजन ये है कि कई बार आप लोगों ने धरना भी दिया लेकिन धरने का कोई भी मतलब नहीं निकला क्योंकि पीएनपी सचिव यह मानने को तैयार ही नहीं है कि आप लोगों को प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दिलाई जाए। इसलिए आप लोग भी अब थर्ड सेमेस्टर पढ़ते रहिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए
और थर्ड सेमेस्टर पास करने के बाद ही उम्मीद है कि अब फोर्थ सेमेस्टर के पेपर आप रोके हो। कहीं ना कहीं आप सभी के साथ नाइंसाफी ही है, क्योंकि जब पिछले पीएनपी सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आप बैक क्लियर कर लेते हो, आपका सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो जाता है, तो आपको सीधे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने को मिलेंगे। लेकिन जो नए पीएनपी सचिव आए हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, यह मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग अब थर्ड सेमेस्टर भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके थर्ड सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीजें आपको बतानी बहुत बहुत जरूरी थी। आप लोग तैयारी करते रहिए, आपके हर एक सेमेस्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आनंद सर ने अच्छे से पढ़ाया है। आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक हर हाल में आ जाए, क्योंकि आप पीएनपी सचिव ने खुद बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। 1 हफ्ते की अवधि भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि 25 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। आप लोग अपनी यूपी टेट की तैयारी और सीटेट की तैयारी पर फोकस बनाए रखिए, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। सारे वीडियोस को भी देखते रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए, और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, और फ्री पीडीएफ के लिए यूपी टेट की और सीटेट की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स मिल जाएगा। सारे वीडियोस को देखिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। जय दोस्तों।